भी किया जा सकता है। और यही वजह है कि भागीरथ गंगा को हिमालय की गोद से लेकर के जमीन पे आ गए थे, और वैसा ही कुछ काम सरकार ने अयोध्या में भी किया है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि सरयू के तट पर ये राम की पैड़ी पंप हाउस, ये सिंचाई विभाग के द्वारा बनाया गया है। ये राम की पौड़ी का ये इलाका जो पहले गंदे पानी से भरा रहता था, उसे अब इस साफ पानी से भरने का काम, इस पंप जो पानी दिख रहा है आपको, इस पंप के माध्यम से राम की पौड़ी में यह पानी पूरा आ जाता है, और ये पुल के माध्यम से राम की पौड़ी में आगे ये पानी का बहाव है। और ये पानी ऐसा नहीं कि यहाँ पर स्थिर रहेगा, ये पानी का जो बहाव है वो लगातार निरंतर चलता रहेगा, और ये बहाव हरदम बहता रहेगा। अब इस पौड़ी का दृश्य आप देखिए कि दीपक जलाए जा रहे हैं, 551,000 जो दीपक के जलाने का जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम भी राम की पौड़ी पर ही मुख्यतः किया जा रहा है। पौड़ी को दुल्हन की तरीके से सजाया गया है, साफ और स्वच्छ पानी का दीपक जब जलेंगे, और दीपक ये पूरे जो इस तरीके से शुरुआत की हो चुकी है, जब इनके जलने के बाद ये प्रकाश जाएगा उस पानी के ऊपर, तो उसकी भव्यता और जो खूबसूरती है वो बहुत ही बढ़ जाएगी। तो ऐसे में इस राम की पौड़ी का जो पानी था वो पहले गंदा मोटैला और कहीं ना कहीं यहाँ पर काई लगी होती थी, लेकिन अब राम की पौड़ी के तरीके साफ स्वच्छ और सुंदर हो चुकी है, क्योंकि सरकार की मंशा साफ थी। तो एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने भागीरथ की तरीके काम करते हुए सरयू से अब राम की पौड़ी पे इस जल को ला दिया है। अरशद के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, अयोध्या। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी आपको सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, किस तरह से इस बार अयोध्या का जो कायाकल्प का संकल्प सरकार ने लिया था उसे और आगे तक ले जाया गया है, राम पैड़ी के जल को किस तरह से शुद्ध किया है, सरयू का निर्मल जल अब सीधे राम पैड़ी तक पहुंच रहा है। जो पहले की बाधाएं थी, जो ढाल की जो समस्या थी, प्रवाह की समस्या थी, उन तमाम दिक्कतों को दूर करके अब राम की नगरी के सौंदर्य में और इजाफा किया गया है। राम की पैड़ी पर ही दीपोत्सव होता है, इसलिए ये जरूरी था कि राम पैड़ी की सुंदरता तक और बढ़ाया जाए, जो बाधाएं उन्हें दूर किया जाए, सरकार ने समझा, और करोड़ों खर्च करने के बाद अब इस बार राम पैड़ी पर यह व्यवस्था की गई है। इससे पहले क्या कुछ कहा आज सीएम योगी ने जब यहां पर पहुंचे थे, आइए आपको सुनाते हैं। हम अयोध्या की बात करते हैं,